USDC, LUNC और Luna, ये तीनों कॉइन्स ने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, लेकिन अगर हम ओवरऑल 7 दिन की बात करें तो अगर हम लॉस काउंट ना करें, सिर्फ प्रॉफिट की बात करें, तो पिछले 7 दिन के अंदर 40% से भी ज़्यादा LUNC ने प्रॉफिट दिया है, लूना ने 25% से भी ज़्यादा प्रॉफिट दिया है और 200% से भी ज़्यादा प्रॉफिट USDC ने दिया है, यानी कि अभी भी हम लॉस में नहीं है। तो इतनी अच्छी हाइप बनी हुई थी, लेकिन एकदम से सडनली प्राइसेस क्यों गिरने शुरू हो गए, USDC की वैल्यू सडनली क्यों गिरनी शुरू होगी, मार्केट में एकदम से जो गंगा है वो उल्टी क्यों बहनी शुरू होगी, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इसी के साथ हम बात करने वाले, क्या अभी भी USDC हमारे लिए अच्छा है या नहीं, USDC के साथ साथ LUNC और लूना, ये तीनों कॉइन्स क्या हमारे लिए सही है या नहीं, हमारे पोर्टफोलियो को क्या ये दोबारा फिर से हरा भरा कर सकते हैं या नहीं, ये मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में बताने वाला हूँ। पिछली बार भी आपको बता चुका था, वो वीडियो भी जाकर चेक कर लेना, जिसमें लूना के पूरे इकोसिस्टम की बहुत ही ज्यादा डीपली डिटेल आपको दी थी। तो ये वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलते रहेंगे, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पे मैं सारी अपडेट्स एंड न्यूज़ सबसे पहले डालता हूं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। जैसे कि लास्ट अपडेट मैंने डाला था CZ का, कि CZ को बैन कर दिया गया, यानी कि वो US को छोड़कर नहीं जा सकते, उनको US में ही रहना पड़ेगा जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। तो ऐसे हर एक अपडेट जो भी आती है जो मार्केट को बड़े से बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है, वो मैं सबसे पहले डालता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए चलते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर। तो आपको मैंने बता दिया कि तीनों कॉइन्स आज भी, अगर हमने पहले बाय करके रखे हुए थे तो आज भी हम इन तीनों में प्रॉफिट में चलते हैं। तो शुरुआत होती है 2 अपडेट से, यानी कि प्राइस पंप क्यों हुआ था। सबसे पहली चीज वो तो ये थी कि जो USDC है उसके परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग उसकी चालू कर दी गई थी बाइनेंस के ऊपर विद 50x लेवरेज। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अपडेट था कि अभी इसके अगर फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है और वो भी बाइनेंस के ऊपर विद 50x लेवरेज, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा कॉइन परफॉर्म करने वाला है और इसमें क्या है कि हम वापस से विश्वास अपना बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, तब हमें सिर्फ बाइनेंस की अपडेट आई थी, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें 27 नवंबर को ही शाम को पिछले दिन USDC USDT के पेयर्स बायबिट के ऊपर भी लिस्ट किए गए थे विद 50x लेवरेज, यानी कि वहां पे भी इसकी फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू कर दी गई थी बायबिट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी से बड़ी एक्सचेंज अभी USDC को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। USDC हम भी जानते हैं कि ये एक USDT के नाम से था, जो टेरा का खुद का स्टेबल कॉइन था एक समय पे। तो अभी ये स्टेबल कॉइन तो नहीं है, बल्कि इसकी वैल्यू एकदम से बहुत ऊपर बढ़ी है, क्योंकि इसकी जो कम्युनिटी है लूना की वो आज भी बहुत बड़ी है। जैसे कि शिबा इनू की कम्युनिटी है, जिसको हम शिबा आर्मी बोल देते हैं, या फिर डॉज आर्मी है, सिमिलरली वैसी लूना की भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिन्होंने आज तक लूना को, लूना क्लासिक को और USDT क्लासिक को अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये आपको बता रहा था कि सबसे पहली अपडेट थी जिसकी वजह से USDC और बाकी दोनों कॉइन्स भी पंप होना शुरू हुए थे। दूसरी अपडेट कौन सी थी, जो कि आज के दिन फेक बन चुकी है या फिर उसको दोबारा से फेक दिखाया जा रहा है, तो वो ये थी कि जो ट्रेडर क्यूटी के नाम से एक ट्विटर के ऊपर हैंडल है, तो उनकी अपडेट बहुत ज़्यादा फैल रही थी, वायरल हो रही थी, कि उन्होंने $5,00,000 के USDC बाय किए हैं। और जब भी जनरली इतनी बड़ी अगर बाइंग आती है तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई बहुत अच्छा अपडेट आने वाला है, कॉइन बहुत बड़ा पंप लेने वाला है, और उससे क्या कि हाइप और ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। और ऐसा ही हुआ, फोमो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका था, जिसकी वजह से USDC की बाइंग एकदम से आई। USDC की बाइंग आने के साथ साथ LUNC और लूना ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया, लेकिन इस चीज़ को लगातार फेक दिखाने की कोशिश करी जा रही थी। LunaClassicLabs.com के नाम से एक ट्विटर के ऊपर अनदर हैंडल है, जिन्होंने ये बताया कि LunaClassicLabs का $5,00,000 की इन्वेस्टमेंट USDC में जो करना है वो एक फेक न्यूज़ थी, वो बिल्कुल फेक अपडेट थी। लेकिन ये अपडेट जैसी ट्विटर के ऊपर आई, इसको बार बार रीशेयर किया गया, वायरल किया गया, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा इसमें हमें पंप देखने को मिला। लेकिन सच्चाई क्या है इसके बारे में, क्यों फिर से प्राइसेस नीचे गिरना शुरू हो चुके थे, वो वही ट्रेडर क्यूटी ने यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया कि जो लूना क्लासिक लैब है उनको US रेगुलेटर्स के द्वारा एक मैसेज आया, जिसमें वो USDC की इन्वेस्टमेंट जो थी वो सीज करी गई, यानी कि इनको फिर एक लीगल एडवाइस लेना पड़ा, रेजोल्यूशन ढूंढना पड़ा कि USDC में अभी इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं करी जा सकती। तो ये सबसे बड़ा कारण बना कि क्यों फिर से USDC में और लूना क्लासिक में एकदम से डंप आना शुरू हो चुका था। अब यहाँ पे एक तो ये चीज़ होगी, अब इसी के साथ साथ यहाँ गवर्नमेंट के अलावा जो भी हमारी पूरी कम्युनिटी है ट्विटर के ऊपर और वैसे भी ऑल ओवर जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, जो पहले पॉजिटिव अपडेट को बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे थे, वो नेगेटिव अपडेट को भी उतना ही ज़्यादा फास्टली वायरल कर रहे थे।
तो यहाँ पे उन्होंने फिर से बताया कि जो LUNC कम्युनिटी है उन्होंने बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर डाला, जिसकी वजह से उनको ऐसी कुछ अपडेट्स भी देनी पड़ी जिससे क्या है कि लूना को फिर से डंप होना पड़ा या फिर इनकी तरफ से इनको एक ऐसी अपडेट देनी पड़ी जिससे क्या है कि USTC बिल्कुल फिर से खत्म होने की तरफ पहुंच गया। लेकिन एक चीज इन्होंने लास्ट में ये बोली है कि इनका अभी भी मानना है कि USDC में बहुत अच्छी पोटेंशियल है, बॉर्डरलेस प्रोग्रामेबल परमिशनलेस मनी ऑफ द फ्यूचर, ये आने वाले समय का बन सकता है। अगर हम सिर्फ इसी लाइन को पढ़ लेते हैं तो USDC में आज भी उतनी ही क्षमता है जो पहले थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, मेरा मानना ये है कि हमें जो सबसे पहली अपडेट मिली थी कि इसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर इसके जो फ्यूचर्स लिस्ट हुए हैं बाइनेंस के ऊपर, बायबिट के ऊपर, उसकी वजह से मेजर पंप आया था। और जो ये है, जो ट्विटर हैंडल है, इन्होंने खुद बोला कि मेरी तरफ से कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है, दैट वाज द मार्केट नॉट मी, यानी कि इन्होंने खुद पंप नहीं किया ना करवाया USTC को या LUNC को, बल्कि वो मार्केट खुद ही इस तरीके से रिएक्ट कर रही थी। तो अभी एक्चुअल में जो मेजर प्रॉब्लम आई है, अब उसकी बात करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको बैन किया गया है कि वो टेरा क्लासिक नेटवर्क के साथ अभी इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पे अगर ये कोड फिक्स करते हैं और अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो टेरा क्लासिक का वर्जन 2.3.1 अपडेट आने वाला है। तो जो नया प्रपोजल है 11885, ये टेरा का खुद का प्रपोजल है, हम इसको कोड से तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो टेरा क्लासिक कम्युनिटी है उन्होंने बहुत ज़्यादा इस प्रपोजल की सपोर्ट करी है। और ये किस चीज़ से पता चलता है कि जब भी जो होल्डर्स होते हैं वो वोटिंग करते हैं, जो एक्चुअल होल्डर्स होते हैं वो अपने कॉइन्स को कमिट करते हैं, कमिट करके क्या है कि वोटिंग होती है। यहाँ पे 99.9% वोटिंग इस तरफ आई है। तो वोटिंग एंड होने वाली December 3rd को, तो उसके बाद क्या है कि ये नया प्रपोजल जो है ये अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये जो अपडेट्स हैं ये भी एक बहुत बड़े रीज़न बने जिसकी वजह से USTC ने 300% से भी ज़्यादा हमें प्रॉफिट दिया। और मार्केट में हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फॉर्मो क्रिएट हो गया, हमें लगने लगा कि शायद सच में $1 के बराबर पहुंचेगा। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर दी थी कि ये अभी स्टेबल कॉइन नहीं है, ये सिर्फ क्लासिक कॉइन है, यानी कि पुराना कॉइन है, इसको स्टेबल कॉइन कभी भी हम नहीं मान सकते। वैसे वैल्यू इसकी $1 भी जा सकती है, उससे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन इसको हम कभी भी नहीं मान सकते कि ये $1 के बराबर होगा। अब जो लूना क्लासिक लैब्स है उन्होंने अगर ये र्यूमर को डिनाई ना किया होता तो प्राइस लगातार ऊपर ही बढ़ना था। अब इसके बाद क्या है कि ये फंडामेंटली तो नहीं ऊपर जाएगा, बल्कि अगर हम टेक्निकली देखेंगे तो सारे के सारे कॉइन्स अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि वैल्यू नीचे क्यों गिरी है, क्योंकि पहले इसकी हाइप बनाएगी, उसके बाद क्या कि इसको डंप किया गया, उस हाइप को डिनाई किया गया, उस जो अपडेट है उसको डिनाई किया गया। अगर डिनाई नहीं किया जाता तो इसकी वैल्यू लगातार बढ़नी थी। इसके अलावा अगर आपको कोई और अपडेट चाहिए, किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, LUNC, लूना या फिर USTC के बारे में, नीचे कमेंट करो, क्योंकि शायद ये हमारा लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉइन के ऊपर चलेंगे। क्योंकि इस वक्त हम देख पा रहे हैं मार्केट में FTT बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे कई सारे कॉइन्स हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इवन एथेरियम भी $2,000 के आसपास टिका हुआ है। साथ के साथ अगर हम BNB देखते हैं तो वो भी $230 के आसपास टिका हुआ है, चाहे उसके ऊपर अभी जो केस ही क्यों नहीं चल रहा है US में, लेकिन फिर भी अभी बहुत अच्छा बाइनेंस ने स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ है। लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूं कि अभी सोलाना, कार्डानो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, इवन XRP भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। ऐसी कुछ अपडेट्स मैं आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर दूंगा, वॉफ्टेड ऑफिशियल, आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, वहाँ पर मैंने एक एयर ड्रॉप का लिंक भी डाला था, वो भी आप चेक कर सकते हैं, जो कल के वीडियो में भी दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो, इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।